ये नाज़रीन हमारा टॉपिक ये था कि डिप्रेशन का शिकार लोग क्यों हो जाते हैं, और जिनके पास बहुत सारी आसाइशें हैं, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, उसके बावजूद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। इसमें बहुत सारे नाम पर फनकार हैं, अदाकार हैं, हम लोग सुनते आए अदाकार, सुशांत सिंह ने जिस तरह से सुसाइड की, सिर्फ उम्र 34 साल थी, जिया खान ने की, पाकिस्तानी अदाकार नन्ना बड़े मशहूर कॉमेडियन रहे हैं, दिव्या भारती, मतलब बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद था, फिर भी फेम था, पैसा था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर ली। क्या वजह रहती है, क्यों होता है ये सब हमारे साथ, और किस तरह से अपने करीब रहने वाले दोस्तों को, प्यारों को हम इस मर्ज से निकाल सकते, मर्जी है मेरे ख्याल में निकाला जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब वेलकम पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि डिप्रेशन में कोई हमारा करीबी साथी, दोस्त, बहन भाई या जो भी लाइफ पार्टनर है, अगर वो इसका शिकार हो चुका है, पता कैसे चलेगा कि ये डिप्रेशन है या कोई वक्ती परेशानी है? देखिए, करीब रहने वाले लोगों को तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अगर घर में कोई हालात अनसेटल हुए हुए हैं और उसकी वजह से टेम्परेरी कोई स्ट्रेस आया हुआ है, तो जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो बंदा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होता है कि इस वक्त घर में क्या चल रहा है, ख़ासतौर पर पार्टनर को तो पता ही होता है, लेकिन लेट्स से कि आपको लगता है कि कोई भी इंसान जो 2 वीक्स उसको हो गए हैं, उसका मूड बहुत लो जा रहा है, खाना पीना ख़राब हो चुका है, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहा, तन्हाई का शिकार, या बहुत कम खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या बहुत कम सो रहे हैं, और किसी से बातचीत नहीं कर रहे, आइसोलेशन में ज़्यादा रहना शुरू हो गए हैं, नेगेटिव बातें जब भी बात करते हैं तो अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं होना, पहले ही चीज़ें सारी ख़राब हैं, इस तरह की बातें, नेगेटिव और मायूसी की बातें जब देखते हैं आपके कंटेंट इस बंदे का चल रहा है, या शिकायती बहुत ज़्यादा हो गया, बंदा हर किसी से जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कोई चेंज आ रहा है। बट 2 वीक्स के लिए वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, 2 वीक्स के लिए वो कंसिस्टेंट है, और वो इसी तरह से चीजें जो है चल रही है, एक आधा दिन तो मूड खराब हो सकता है, एक आधा दिन तो हम सब का ही हो जाता है, वो मुसलसल चल रहा है, मुसलसल है उसमें, तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना, फिर आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, और अगर उसमें ज्यादती आती जा रही है, यानी वो ऊपर जाता जा रहा है, तो ऑफकोर्स फिर आपको खुद ही एक इंडिकेशन है कि चीज़ें बेहतर होने की बजाय वर्स होती जा रही हैं, सो आई रियली नीड टू कंसल्ट। अच्छा, हम लोग जो ये बात करते हैं डॉक्टर साहब, कि सब कुछ है उसके पास, जाहिर है कि कोई ना कोई वजूहत तो फिर भी रही होंगी उसके पास सुसाइड करने की, डिप्रेशन का शिकार हुआ होगा, उसके पास फेम है बहुत ज़्यादा, उसके पास दौलत है बहुत ज़्यादा, उसके पास हर चीज़ की फरावानी है, आसाइशें हैं बहुत, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसे ज़िंदगी से बेहतर मौत लगती है, तो कौन सी वजूहत? देखिए, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनका किसी के अमीर और गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, पहली बात ये है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट अटैक का किसी के अमीर और गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी किसी के अमीर, गरीब, शोहरत याफ्ता होने से, यस, वो लोग जो कि थोड़े से फेमस होते हैं, जिनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल में चल रही होती है, जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, दे आर प्रोन टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी उनमें टेंडेंसी आम लोगों से ज़्यादा, जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं उनमें आम लोगों से ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी की किसी भी एक स्टेज के ऊपर जो है वो केटर अच्छा, कर सकते हैं खुद से। ये रियलाइजेशन किस वक्त होनी चाहिए किसी भी ऐसे डिप्रेशन के शिकार शख्स को कि अब हमें किसी से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तौर पर कहा जाता है कि जी माहिर नफ्सियात के पास चले गए तो ये ज़हनी तौर पर या तो पागल है या इसको कोई तकलीफ है, किस वक्त ये एहसास होना चाहिए कि अब आपको राबता करना है, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बेसिकली जो है, अनफॉर्चुनेटली आप खुद से ये एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो जिंदगी, आपको लग रहा होता है कि अच्छा मैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, आप तो खुद से फील, हमारा जरा कल्चर भी ऐसा है, हम तो इग्नोर कर देते हैं, बहुत इग्नोर कर देते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन ये फैमिली और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। अगर तो आपको खुद से पता चल जाता है कि यस मेरी तबीयत में एक चेंज आ गया है, तो जैसे मैंने कहा 2 वीक्स अर्लियर द बेटर, जितना आप जल्दी जाएंगे आप उतनी जल्दी कॉप अप कर जाते हैं, जितनी चीज़ें पुरानी होती जाती हैं उनको सेटल होने में, उनको आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आने में टाइम लग जाता है। थेरेपी से मुमकिन है वापस उनको लाना, नॉर्मलाइज करना, या फिर अदवियात? डिपेंड करता है कि आपके बहुत सारी, जैसे डिप्रेशन की कॉजेज डिफरेंट होती हैं, अगर आपका डिप्रेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, तो अगर आपका डिप्रेशन जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर मे बी आपको
इंटेंसिटी को देखते हुए, आपकी सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए आपको फिर मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, एग्जाइटी, लेकिन अगर वो जो है वो इन्वायरमेंटल डिप्रेशन है आपका, कोई एक ऐसा आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, जॉब ख़त्म हो गई है, वैसे ही आपको आजकल तरक्की आपकी होनी थी वो नहीं हो पाई, इस तरह का कोई स्ट्रेस चल रहा है और उसकी वजह से आप किसी डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, तो फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि वो लोग जो कि सिर्फ मेडिसिन लेते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। अच्छा, थेरेपी भी ज़रूरी है, लेकिन डिप्रेशन और एग्जाइटी, अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हम कैसे समझ पाएं कि एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हमें मेडिसिन पे जाना है, हमें ये तो हम ठीक है डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन खुद से अगर हमें चेक करना है, हमारे साथी को कुछ हो रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या अलामत डिफरेंट है दोनों की? देखिए, डिप्रेशन जो है इसका मतलब है डेप्थ, DEP, डिप का मतलब है कि आप नीचे जा रहे हैं। ओके, आप लो हो रहे हैं। यस, आपकी सारी, आपकी एनर्जी लो है, आपका मसल टोन लो है, आपकी वॉइस लो है, जिंदगी की तरफ रवैया लो हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। एंग्जाइटी इज व्हेन यू आर हैविंग सम एप्रीहेंशंस, कोई खौफ है, कोई परेशानी चल रही है, कोई चीज़ आपको बेचैन रखे हुए है, और आप जैसे वो एक फिश जिस तरह से पानी से बाहर फील कर रही बेचैन होती है, बेचैन होती है, आप बिल्कुल वैसा फील कर रहे हैं। एक और चीज़ जो नए आने हमारी जनरेशन है बच्चे, ये कहा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम उनका बढ़ने की वजह से अब बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? स्क्रीन टाइम से ज्यादा टिकटॉक माइंड को आप ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर। अभी एक नई रिसर्च आई है जो कि साइकोलॉजिस्ट ने ही की है कि टिकटॉक माइंड हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अब हो चुका हुआ, और वो टिकटॉक माइंड क्या है बेसिकली? यस, वो लोग जो कि अपने दिन का तकरीबन कोई 12-13 घंटे जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर गुजारते हैं, और उनका मूड जो है वो डिपेंडेंट है टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर, एडिक्शन हो जाती है एग्जैक्टली टिकटॉक वीडियो बनाने के ऊपर या टिकटॉक को देखने के ऊपर। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त टिकटॉक की वजह से ज़्यादा टाइम उस पर गुजारने की वजह से, उसके ऊपर जो कंटेंट मौजूद है मीनिंगलेस और यूजलेस कंटेंट देखने की वजह से जो है लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, उसमें खास तौर पे आपकी टीम जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपका यूथ बात में करते हैं, मेरे घर में मेरी आया है, तो मैंने एक दिन उसका इंटरनेट बंद कर दिया, तो उसका मूड स्विंग्स उसके देखने वाले, तो उससे मेरे सारे कपड़े पर बात किए। एग्जैक्टली, यस, दिस हैपेंस। रिश्ते भी तो खराब होंगे जब आप गैजेट्स में उलझे रहेंगे, 12-13 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होगा, तो आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं आप उनको भी इग्नोर करेंगे, आपका उनके साथ ताल्लुक भी खराब होगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपकी बहुत सारी फीमेल्स जो मेरे पास क्लिनिक के ऊपर आती हैं, जो मैरिटल इश्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा हमें फेस करना पड़ रहे हैं, उसकी एक मेजर रीजन आपका स्क्रीन टाइम है। आदमी घर आ जाते हैं और उनको लगता है कि हम घर ही हैं, हम तो अवेलेबल हैं। नो, यू आर नॉट अवेलेबल। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं और घर बैठे हुए हैं, तो आप ऑफिस में ही हैं बेसिकली। अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब होता है पार्टनर का, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, exactly, मैं घर ही हूँ। हाँ, अगर आप मोबाइल पे हैं तो कैसे घर पे हुए, आप साथ कैसे हुए, आप उसके साथ नहीं है। सो यू रियली नीड टू मेक इट श्योर कि जब आप घर आते हैं तो आपने बच्चे के साथ भी एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना, विच शुड बी विदाउट फोन और कोई और चीज़ जिस पे आप इन्वॉल्व हैं, आपका लैपटॉप आगे पड़ा हुआ और आप काम में लगे हो और आप अपने बच्चे को हर एक मिनट के बाद पूछ रहे हैं, और इसी तरह से आपके स्पाउस की भी चीज़ें। सो आपको मीनिंगफुल चीज़ें देना और अच्छा, मीनिंगफुल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, आप जिस तरह बच्चों के लिए क्या हो सकती हैं, बड़ों के लिए, और जो इशाल ने बात की थी कि आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, फिर भी आप लो फील कर रहे हैं, तो आपको खुद को किसमें ज्यादा इजी रखें जिससे आप इस डिप्रेशन से निकल के पॉजिटिविटी को बेसिकली। आई रिमेम्बर अ केस कि वो बहुत हाई अचीवर थे, इवन वो पाकिस्तान से उनको जो है स्कॉलरशिप के ऊपर वो बाहर पढ़ने भी गए हुए थे, मेरे क्लाइंट थे। अच्छा, व्हेन ही गॉट बैक तो यहाँ पे भी उनको एटॉमिक एनर्जी के अंदर अच्छी, बहुत हाई फाई किस्म की जॉब, बड़ा हाई फाई करियर। तो ही जस्ट विजिटेड मी एंड ही सेड के डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत ही लो जो है ना वो फील कर रहा हूँ, और मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मार लूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जितने लोग हाई अचीवर्स होते हैं एक्सेप्शनल माइंड्स के साथ होते हैं, बिकॉज दे आर रियली, वो दुनिया से थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, उनको ओवर सेंसिटिव भी होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो हाई अचीवर्स को होते हैं, डिप्रेशन उनमें से एक है, और सुसाइड की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं। वाई? बिकॉज के सब कुछ पा लेने के बाद भी कहीं कोई डिससेटिस्फेक्शन है। देन अगेन वो लोग जिसको अभी हम खास तौर पर बात करें, हम सब बनाते हैं टेंजिबल गोल्स, मतलब मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, लेकिन वो लोग जिनके टेंजिबल गोल्स होते हैं, टेंजिबल गोल्स तो आपके 35-40 या मैक्सिमम 45 की एज तक आप मैक्सिमम अचीव कर जाते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट?
बिल्कुल, आप जब आपके पास इनटेंजिबल यानी वो गोल्स जो के मेजर नहीं किए जा सकते, वो गोल अगर आपके पास नहीं है तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आपको ज़रूरत ये है कि आप अपने इनटेंजिबल गोल्स भी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, माइंडफुलनेस के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेशन के ऊपर, और कोई फ्रेंड रखिए पास जिससे आप बात कर सकें, बात कर सकें, प्लीज कम्युनिकेट कर सकें, एक्जेक्टली मसाइल उसका शेयर, क्योंकि अब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो बहुत हाई अचीवर्स लोग होते हैं, बहुत पॉपुलर लोग होते हैं, इनके लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना किसी आम इंसान से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, इतना इजीली रेपुटेशन का, आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है, आम लोगों से भी नहीं बात कर सकते, नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है कि हम लोग समटाइम देखते हैं कि एक तो खुद की जान आप लेने पे आ जाते हैं, कभी कभी आप दूसरों की जान ले लेते हैं। हमारे सामने इस तरह के किस्से आए कि बच्चों ने पेरेंट्स से नालान थे, वो किसी वजह से उनकी फरमाइश नहीं पूरी हुई, उनकी मर्जी की शादी नहीं वो कर सके, तो उन्होंने पूरे पूरे खानदान की जान ले ली, अपनी जान लेने की बजाय उन्होंने दूसरों की जान लेना बेहतर समझा। ये भी डिप्रेशन की अलामत की बात होता है कि आप किसी दूसरे की जान ले, ये फिर ज़हनी मर्ज़ है कोई, ये भी ज़हनी मर्ज़ है, और मे बी इसमें डिप्रेशन का एलिमेंट हो सकता है ज़रूर, बट एट द सेम टाइम इसमें आपकी जो परवरिश है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको अपनी साइकोलॉजी में कहते हैं कि उन लोगों को बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। अच्छा। सो एक तो आपने उनकी तरबियत इस तरह से की होती है जहाँ पे आप उनको ना नहीं कहते। कल की ही बात है, आई वॉज हैविंग अ फैमिली, तो वो जो हैं खातून जो हैं अपने शोहर के बारे में कुछ बता रही थी, तो शोहर ने एकदम से रिएक्ट किया कि दिस इज़ नॉट द वे यू आर टेलिंग द थिंग्स, यानी एकदम से, तो शी वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग हर साइड। तो एक्चुअली आपका ब्रॉटअप किस तरह से हुआ, आपको कितनी टॉलरेंस सिखाई गई है, आपको कितना सब्र और तहमल से बात करना सिखाया गया, आपके घर के इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर वो आपके अंदर नहीं है और आपको सिखाया भी नहीं गया, और आपको ये नहीं कहा गया कि बेटा आपकी कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, तो फिर आप अपने घर वालों को पूरी करने के आदी बना, मोबाइल ना देने पर भी मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हाउ यू आर डिवेलपिंग द पर्सनैलिटी बेसिकली। तो ये कितना ज़रूरी है बच्चों को ना करना सिखाना, और ना को एक्सेप्ट करना भी सिखाना, कि अगर पेरेंट्स कुछ नहीं दे रहे, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें पेरेंट्स ना कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है बच्चों को ये भी सिखाना, और फिर कि अगर कोई आपको कोई काम कह रहा है और आप उस पर भी ना कर सकते हो। बिल्कुल, ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी में ना को पसंद नहीं किया जाता, इस वजह से हम लोग ना आसानी से कर सकते हैं, ना आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि हमें यस मैन का जो है वो कहा जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको रहनुमाई मिलेगी, और ख़ुद को, अपने आसपास रहने वाले अपने दोस्तों को, प्यारों को इस डिप्रेशन से निकालिए, इससे पहले कि उन्हें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े, उन्हें दवाइयों या थेरेपीज की ज़रूरत पड़े, आप कम्युनिकेट कीजिए, ताकि एक दूसरे से शेयर कीजिए, कोई अच्छे दोस्त रखिए जिनके साथ आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकें, अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकें, ताकि वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे सके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ रابطہ ज़रूर रखना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कि जहां पर आप अपनी जान ले लें या किसी दूसरे की जान ले लें, उससे बचा जा सके।